तो कहानी शुरू होती है राजेश खन्ना से। एक मिनट, आई थिंक मैंने गलत अवतार डाउनलोड कर ली। Wait. Let me do that one more time. तो कहानी शुरू होती है गोविंदा से, जिसको अवतार का डायरेक्टर घर आके गोदी में बैठा के बोले, सर प्लीज अवतार कर लो। लेकिन गोविंदा सिर्फ बी रेटेड मूवीज करना चाहते हैं। अवतार टाइटल मैंने ही दिया था और तुम ये कहा मुझे कलर करोगे पूरी बॉडी में मेरे। मैं कहा मुझसे नहीं होगा, सॉरी। बस बहुत हो गया मजाक। अर्थ 2154, जहां अब शिवाजी द बॉस के राज में दुनिया अब मॉडर्न बन गई है। कुछ भी। पर बेचारा एक्स मरीन जेक सुली, जो लोगों को करता है बुली, ने अपने पैर फौज में खो दिए थे। अब और क्या खो सकता है ये? इसका जुड़वा भाई। तो टॉमी सुली एक साइंटिस्ट था जो अवतार प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ था और उसपे बहुत सारा पैसा भी खर्च हुआ था, तो भाई का कर्ज चुकाना होगा। हमारे लिए अवतार प्रोजेक्ट करेगा? नहीं, वहाँ नीली बिल्ली मिलेगी। तो जेक सुली 5 साल क्रायो में सो के अर्थ से 69,000 लाइट ईयर्स दूर किसी प्लैनेट के मून पैंडोरा पहुंच जाता है, जो दुनिया खुद में ही एक अवतार है। पैंडोरा एक ऐसी जगह है जहां इंसान रह तो सकता है, पर अगर सांस लेनी हो तो मास्क लगाना पड़ेगा। लगाओ मास्क, लैंड के बाड़ो। कोविड गया नहीं क्या अब तक? बोला था बूस्टर डोज भी लगवा लो, पर नहीं, सुननी नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा दीदी? पैंडोरा पे इंसानों ने पूरा अमेरिका और इराक करके रखा है भाई, मिलिट्री मिलिट्री। वेलकम टू डेमोक्रेसी। और यहाँ बाहर जंगल में रहते हैं यहाँ के एलियंस नावी। पर यहाँ इन सब बिरयानी में ये इलायची क्या कर रहा है? तो जेक का भाई अवतार प्रोग्राम में था, जहाँ ये लोग नावी और ह्यूमंस के डीएनए को मिक्सर ग्राइंडर में पीस के स्वाद अनुसार उजाला नील डाल के बनाए गए अवतार्स में मशीन से अपने माइंड को लिंक करके इन अवतार्स को यूज कर सकते हैं। पर इतना खर्चा क्यों? क्योंकि अमेरिका को अलग जमीन में तेल मिले या फिर सुपर कंडक्टर अनऑप्टेनियम मिले, उनको लौड़ा फर्क पड़ता है। ये फ्रीडम देने पहुँच जाते हैं बंदूकों के साथ। तो चलो अवतार को ट्राई करते हैं। उठो, उठ गया, बैठो, बैठ गया, हिलाओ मतलब पैर हिलाओ, भाग गया। और जेक सुली को अपनी गांड, घुटने, पैर सब महसूस हो रहा है भाई। मतलब जो कल तक चल नहीं पा रहा था, आज वो दौड़ने लगा, मानो एक नई जिंदगी मिल गई हो। पर जेक यहाँ एक और रीजन से आया है। जहाँ जेक का बड़ा भाई साइंटिस्ट था, पर उसका था होने के कारण जेक सुली है। पर जेक एक चौथी फेल भी है, मानो विजय सालगांवकर और ये साथ में ही पढ़ते थे। तो इसे अब साइंटिस्ट ग्रेस और नॉर्म के साथ इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना है। पर कर्नल ब्रायन फ्यूरी के कुछ अलग प्लान्स हैं। वो चाहता है कि ये उनके साथ मिले, दोस्ती करे, उनके समोसे शेयर करे और सारी इन्फॉर्मेशन इसे लाके देते रहे, क्योंकि अमेरिका कभी भी पीसफुली जंग जीत नहीं सकता। बेचारे मिडल ईस्ट वाले, आई फील यू ब्रो, थैंक यू। तो यहाँ इनका मिशन है कि नावी के लोगों को उनकी जगह से हटा के अनऑप्टेनियम निकाला जाए डिप्लोमेटिक तरीके से। मगर कर्नल जानता है कि अनऑप्टेनियम मिलेगा जंग से। पहला मिशन, ग्रेस, नॉम, सुली डॉम की संगी पायलट बीवी के साथ निकल पड़ते हैं पैंडोरा के जंगल में, जहां ग्रेस और नॉम 3 बार कॉलेज गए हैं और ये जिसकी संस्कृत में भी कंपार्टमेंट आई थी, चौथी फेल। तो ग्रेस और नॉम साइंटिस्ट साइंटिस्ट खेल रहे हैं और ये बंदूक बंदूक खेल रहा है बड़े कुत्ते के साथ। ए बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ। और बड़े कुत्ते से भागते भागते ये कूद गया पार्ट 2 द वे ऑफ वाटर के पानी में। तो इन लोगों ने जी जान से इसे 3 मिनट तक ढूंढा और शाम को डिनर में कस्टर्ड बना है, तो वापस चलो यार, बहुत भूख लगी है। ये बेचारा अकेले अब जंगल में मर रहा है, पर पीछे से नीली तमन्ना भाटिया आती है इसे मारने, मगर ये उड़ती जेलीफिश इसे रोक देती है। मत कर, पार्ट 2 भी बनाना है। मनी 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 मनी। तो वहां जेक, जिसका कुत्ता बनने वाला है, उसे ये बिल्ली आंख वाली नीली बंदर बचा लेती है। शुक्रिया नीली दीदी, मेरे बाप थेनोस को मनी मिलता तो तेरी माँ का, तुम इधर आता जानवर मारता, निकल लौड़े, मेरे को हिंदी आता। तो क्या नाचो मैं? पर तभी उड़ती जेलीफिश फिर से आई, अच्छी सी जी आई, आदि पुरुष की माँ की चूप, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। तो ये इसे अपने कबीले के पास ले जाती है उमाटी काया क्लैन में, जहाँ पहले 5 मिनट तक तो सब इसे डांटते हैं।
आइयो नहाता नहीं, ये नीला तो गीला इधर आता, चल चल इडली डोसा खाता। अबे चुप, एक एक करके बोलो। मैं इधर सीखने आता, मतलब मैं तुम्हारे साथ रह के तुम्हारे तौर तरीके सीखने आया हूँ। अपने पति का कसम खाती कि तेरे को हमारे तौर तरीके नहीं सिखाती, पर इसे ईवा का अप्रूवल मिलता ठीक है। माँ किया तो ये इनके साथ लंगोट पहन के रहेगा, इनके साथ खाएगा और इनकी बेटियों के साथ सोएगा। क्या बात है भाई, और वहाँ सब हेडक्वार्टर्स में इम्प्रेस है, और इसे खाने में मटर पनीर मिल रहा है। ये वहाँ के इवन सबसे बड़े पवित्र पेड़ की इंटेल भी कर्नल ब्रायन फ्यूरी को दे पा रहा है, और इसे लोग अपना कस्टर्ड भी दे रहे हैं, तो इसीलिए लोग चुगली करते हैं। अब समझ में आया, करना पड़ता है। तो अब ये ओमाटिकाया क्लैन के साथ उनके तौर तरीके सीखेगा। और सारी ओमाटिकाया क्लैन की खबर कर्नल ब्रायन फ्यूरी को जाके दे देता है। आओ बहन चुगली करें। तो ये सब देख लिया इंसेप्शन वाले देसी साइंटिस्ट ने। चुगली करें, इससे आपका लाभ क्या है? और उसने जाके डॉक्टर ग्रेस को चुगली कर दी ताकि इसे कस्टर्ड मिल सके। पर डॉक्टर ग्रेस को जेक चाहिए। क्यों? क्योंकि ओमाटिकाया क्लैन में ये घुल मिल गया है। अच्छा, तो ये लोग अपने प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए रीलोकेट करते हैं उड़ने वाले पहाड़ों पे, जहाँ गूगल मैप्स भी नहीं चलता यार, और कोई टपरी वाला भी नहीं है जो पान लगाते हुए रास्ता बता दे। तो अब नेटिरी इसे अपना हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन दिखाती है और बताती है कि एक दिन तुमको भी डिज्नी खरीदता और तुमको भी ड्रैगन मिलता। क्या मार्च उधर है सच्ची में? तो ये इसे अपना लैंग्वेज सिखाता है, सिखाती है। बाहुबली में ये कैसे तमन्ना की स्टंट डबल बनी थी वो दिखाती है, दौड़ना सिखाती है, कूदना सिखाती है, मरना सिखाती है, कांट ट्रस्ट दीस गर्ल्स यार। और डॉक्टर ग्रेस जो एक जमाने में इन सारे नावी के लोगों को स्कूल में पढ़ाती थी, उनको इस क्लैन में एक्सेप्ट करवा देता है। फिर से आ गई, अब गेम्स पीरियड खाएगी। That is so unfair, I hate you. तो अब ये फ्लर्ट करता है, चूस ले। और जेक अवतार की दुनिया में इतना खो गया कि ये अपनी रियल बॉडी की केयर करना ही छोड़ देता है। अस ब्रो अस, इसलिए हमने भी ना घर से काम करना छोड़ दिया और ऑफिस बना लिया। तो जेक अब इस क्लैन के तरीके इतने अच्छे से सीख गया कि अब डिज्नी ने बोला आ जा, तेरा हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन करते हैं। तो ये इसे बहुत दूर मतलब बहुत दूर लिटरली उस रास्ते से ले जाते हैं जिस रास्ते से हमारे माँ बाप पढ़ाई करने जाते थे, स्कूल। तो इसे एक ड्रैगन पसंद आया और इसने इसका नाम रखा प्रकाश। प्रकाश, मैं तुम्हें चुनता हूँ। और अब इसके पोकेमोन ट्रेनर की जर्नी शुरू। मतलब 26 साल लगेंगे इसे एक पोकेमोन मास्टर बनने में। तो अब ये एक हंटर है जो एयर सपोर्ट देके हंटिंग करता है। प्रकाश और इसकी दोस्ती मिसाल कायम कर रही है। और ये क्या कर रहा है प्रकाश के साथ? शायद ये चीजें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं। मगर प्रकाश का एक दुश्मन है धीरज। धीरज एक बड़ा ड्रैगन है जिससे सब डरते हैं, और आज तक सिर्फ 5 लोग धीरज पे अपनी पकड़ बना पाए हैं। और जो भी धीरज को पकड़ लेगा उसे ये बुलाते हैं धीरज का पकड़ने वाला, धीरज को पकड़ने वाला। ये क्या बात करता है यार? पर ये बात हम सब कैसे भूलें कि जेक एक स्पाई है कर्नल ब्रायन फ्यूरी के लिए। पर अब ब्रायन को भी शक है कि ये आदमी काम का नहीं है। मारे जाओगे एक दिन। मगर अब होती है हुलाला सेरेमनी, जहां अब जेक बन गया है एक ओजी नावी। अब जब इतना बिल्डअप किया ही है तो नेत्री इसे पवित्र पेड़ दिखाती है जिससे ईवा से कनेक्शन हो पाता है, और इसके साथ बॉन्ड बनाओ तो पुरखों की आवाज सुनाई देती है। मतलब काफी पवित्र जगह है ये। तो ये दोनों सेक्स करने लग जाते हैं। अरे वाह, एक मिनट, ये तो प्रकाश के साथ भी किया था इसने, सलमान द घोड़े के साथ भी किया था इसने। व्हाट द फक, जानवर चोद साला। बेटा ये गंदे अंकल, नमस्ते नहीं करनी। मगर सुबह ये संभोग करके उठा कि तभी ओयो पे रेड पड़ गई। बोला था प्रसून के फ्लैट पे चला जा, पर नहीं, मेरी तो सुननी नहीं है। तो जेक ईड से ओयो का सीसीटीवी फुटेज फोड़ देता है, मगर पवित्र पेड़ को ये बचा नहीं सके, और सारे नावीवासी गुस्से में नीले पड़ गए। और कर्नल ब्रायन फ्यूरी भी फ्यूरियस है क्योंकि उसने जेक को पहचान लिया और भड़क के जेक और ग्रेस का प्लग निकाल दिया माफिया, और अब इन्हें कैद कर लिया।
अब कर्नल ब्रायन फ्यूरी करते हैं तैयारी अनऑप्टेनियम को एक्सट्रैक्ट करने की, जिसके लिए अब वो नावी वासियों का घर उड़ाने वाला है। तो इस बहन के लौड़े ने जंग का रास्ता चुन ही लिया है। नहीं सुधरेगा अमेरिका, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तो जेक और ग्रेस और नॉम भीख मांगते हैं कि उन्हें मौका दिया जाए कि वो जाके वहाँ के नावी लोग को हटा पाए ताकि कम जाने जाए यार। तो फीबी का भाई थोड़ा सा इमोशनल है तो लड़का अलाउ कर देता है इन्हें, पर सिर्फ एक घंटे के लिए। और कर्नल की फौज भी वहाँ पहुँचने वाली है। वहाँ नावी वाले भी जंग की तैयारी में है, वो इतने बड़े हेलीकॉप्टर और मिसाइल को गिरा देंगे तीर से, पागल है क्या। तो अब जेक और ग्रेस वहाँ पहुँच जाते हैं और जेक बोलता है, सुनो सुनो गाँव वालों, तुम्हारी माँ बहन एक होने वाली है। मैं जेक तुम्हें आज एक पक्की बात बताता हूँ, मैं एक जासूस हूँ जिसे यहाँ तुम्हारे बीच में खुलने मिलने के लिए भेजा गया था, ताकि मैं तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए समझा सकूँ। मारो साली को। तो अब इन्हें BDSM चेंबर में बांध दिया और अमेरिकन्स फ्रीडम देने आ गए, और ये लोग पूरे जोर शोर से इन हेलीकॉप्टर्स पे तीर से हमला करने लगते हैं। माचो दो इनकी, पर इसकी सास इस पे शायद भरोसा करती है तो इसे खोल देती है, क्योंकि शायद इसे इस पे भरोसा है कि ये इसकी बेटी की लेने के अलावा कुछ तो कर सकता है यार। पर नीतरी इस पे भड़की हुई है, ए पिछाड़ो। और क्या तुम्हें पता है कि इस पे कौन भड़का हुआ है? ब्रायन फ्यूरी। बंद कर इसकी माँ का। तो इनको जेल हो गई, पर डॉम की सनकी बीवी जो कभी सीधा काम नहीं करती यार, इन्हें गोलियों से बचा के एक्सेप्ट ग्रेस इन्हें यहाँ से ले जाती है। तो साला ग्रेस ने काम बढ़ा दिया, ऑलरेडी 12 घंटे की मूवी बन गई यार। तो ग्रेस को अब एवा माँ बचा सकती है, जिसके लिए उसे जरूरत है नावी के लोगों की मदद की, पर उसके सामने अपना लॉयल्टी टेस्ट कैसे दे। अरे प्रकाश तुम, तो जेक ढूंढता है धीरज को, क्योंकि जो धीरज को पकड़ लेगा तो वो कहलाएगा धीरज को पकड़ने वाला। कौन है रे मादरचोद? और अब ये बन गया धीरज को पकड़ने वाला, और पूरा क्लैन इसको इज्जत दे रहा है। इवन इसकी छोड़ के गई बंदी इसका फेम देख के लौट आई। देखा देखा देखा, धीरे धीरे सिंग निकलने शुरू हो गए। पर ये ग्रेस को बचाना चाहता है, जिसे एवा माँ ठीक कर सकती है। एवा माँ इसकी ओजी बॉडी की सोल को इसके एवटार में डालने की कोशिश करती है, मगर ये कमजोर है तो ये बची नहीं, और अब ये एवा माँ के साथ है। मेरे साले, मेरे लिए तुम नावी में ट्रांसलेट करो, मैं आज तुम सबको बचाऊंगा। ये हमें मरवाने वाला है, हम ये जंग जीतेंगे। माँ कसम कुत्ते की तरह हारने वाले हैं, हम जी जान से सामना करेंगे। पूंछ उठा के भागो। जय एवा माँ। माँ पे गया साला, मारो साले को। अबे मार इसकी माँ चोदे। ए भाई का साथ दो यार। तो अब सब साथ देते हैं, क्योंकि धीरज ने बोला है यार, भाई ने बोला करने का तो करने का। तो जेक सारे क्लांस को कोलैबोरेशन के लिए बुलाता है, और सब कुछ खास काम कर नहीं रहे, ऊपर से वीकेंड था तो सब आ भी गए, और वहाँ अमेरिकन्स भी जंग के लिए रेडी हैं। पर जेक एवा माँ से भी मदद मांगता है। प्लॉट में मिलते हैं। जंग का दिन, सब अमेरिकन्स हेलीकॉप्टर में तैयार है। इनका प्लान है इन नावी वालों के पवित्र स्थान को उड़ा देना, ताकि ये टूट जाएं और ये हार मान ले। पर यहाँ जेक का प्लान है कि इन्हें उड़ते पहाड़ों के पास ले आए, जहाँ इनका गूगल मैप्स काम नहीं करता। तो ये सामने से आए और वेल हमला। तो हेलीकॉप्टर वर्सेस ड्रैगन शुरू। वहाँ लैंड पे घोड़ा वर्सेस ट्रांसफॉर्मर शुरू, जहाँ दोनों साइड के लोग पेले जा रहे हैं। पर एक तरफ हेलीकॉप्टर स्लो और कमजोर है, वहीं ट्रांसफॉर्मर सीरीज हिट जा रही है, और एक और पार्ट भी आ रहा है, ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट। तो अबॉर्ट अबॉर्ट। अरे जेक का साला भी मारा गया, और नॉम को भी गोली लग गई। अब क्या होगा, ये हार जाएंगे कि तभी सरप्राइज पिचेस। तो एवा माँ ने वहाँ के सारे पोकेमोन्स को भेज दिया लड़ने के लिए, और सब इन अमेरिकन्स का मैकडॉनल्ड निकाल रहे हैं। और नेटेरी को एक नया पोकेमोन भी मिल गया, कालू कालू कालू। और वहाँ जेक टशन में उड़ा देता है कर्नल की शिप। पर उसे भी समझ आ गया ट्रांसफॉर्मर्स फ्रेंचाइजी की वैल्यू, तो ये अपने ट्रांसफॉर्मर में घुसा
और इसे दिखी जेक की ओजी बॉडी की लोकेशन, तो ये उस पे हमला करने जाता है, पर कालू आ गया। कालू 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 कालू। पर ब्रायन अमेरिकन है और ये कालू। तो इसने कालू को मार दिया। कालू कालू। नो 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 नो। पर वहां जेक आया और ले मारा दे मारा गे मारा। पर ब्रायन ने जाके इसका ओजी बॉडी का लोकेशन तोड़ दिया और जेक की ओजी बॉडी को सांस नहीं मिल रही, तो कंसोल डिस्कनेक्ट हो गया। पर हमारी भाभी नेतिरी ने ले उठाया खंजर और ले लिया कालू का बदला। जस्टिस फॉर कालू। कालू को मिला इंसाफ और भाभी ने जाके ओजी जेक को ऑक्सीजन दे दी और मन ही मन में मुस्कराने लगी। जियो भाभी, जुग जुग जियो। तो इतिहास में पहली बार अमेरिका हार गया, तो सबको वापस अपने वतन जाना होगा। मजा आया। और जो लोग अच्छे थे वो रह सकते हैं। और अब जेक भी अपनी ओजी बॉडी छोड़ के वे ऑफ वाटर में चला गया और कहानी खत्म। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा भाई? कि ये अमेरिकन्स बड़े रेसिस्ट हैं। हमारे कालू को मार दिया यार, इन पे भरोसा कभी मत करना। और कालू, तुम जहां भी हो खुश रहना। कालू कालू। तुम सब क्रिमिनल्स, बढ़िया मूवी करते फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप। क्रिमिनल्स, बढ़िया मूवी करते फ्लॉप फ्लॉप फ्लॉप। तो उसकी मूवी चले कितना कितना बढ़िया मूवी, इसको पिटना पिटना नहीं मिलता प्यार उतना उतना, ये है इंडिया। फालतू की मूवी चले कितना कितना बढ़िया मूवी।